मैं हूं शिवम। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटर एक बाइक कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने साइकिल का और गाड़ी का पार्ट लेके इसको बनाया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे बनाने के लिए हमको एक साइकिल का टायर चाहिए जो एकदम हैवी होना चाहिए और अगर उसमें डिस्क ब्रेक लगाया तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमको चाहिए आगे का एक साइकिल का फ्रेम जिसमें आगे हैंडल और नीचे का चिमटा और पीछे का फ्रेम होना चाहिए जिसको हम उसको कनेक्ट कर सके अपने फ्रेम के साथ। और एक चाहिए हमको छोटा सा टायर और एक पीछे का व्हील लगाने के लिए जिसमें हम चेन को इंजन के साथ कनेक्ट कर सके। उसके बाद हमको चाहिए एक डिस्क ब्रेक, दो बेयरिंग और एक पीछे टायर फिट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने लिया, ये बाइक में लगता है। इसमें हमारी जो बाइक की टायर फिट होती है इसमें हम ये छोटा वाला टायर फिट करें। उसके बाद हमको चाहिए दो जंपर और एक इंजन। ये मैंने इंजन गाड़ी में से निकाला है तो आप भी कोई भी पुरानी गाड़ी में से इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता दूं आपको बनाना कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पाइप लिया है। तो ये पाइप को चलिए कट करके हम फिट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पूरा फ्रेम है तैयार हो गया। फ्रेम तैयार होने के बाद यहाँ पे हमने एक छोटा सा पाइप वेल्डिंग मारा है। तो वो पाइप जो दिख रहा है इस होल के अंदर हम डाल के इसको वेल्डिंग मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमने चैनल लगा के ऊपर एक पट्टी हमने वेल्डिंग मारा। तो ये पट्टी में आपको चार होल मिल जाएगा। यही सेम होल आपको ये इंजन के पीछे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार होल मिलेगा। तो ये जो चार होल दिख रहा है तो ये हम इसको यहाँ पे लगा के फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एंगल वेल्डिंग मारने के बाद यहाँ पे हमने दो होल किया है। तो ये जो होल दिख रहा है इसके अंदर हम ये जो हमारा जम्पर है इसको लगा के हम यहाँ पे टाइट करेंगे। तो चलिए जो हमारा इंजन है हम इसमें लगा के फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा इंजन है फिट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंजन है एकदम टाइट हो गया है। तो इसमें हम खड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं। तो चलिए हमारा जो पीछे का टायर है तो हम उसको इसमें लगा के फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारी ये जो टायर है, टायर और हमारा डिस्क ब्रेक और ये हमारा चैन व्हील जो है हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिए हम लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पूरा फिटिंग है हो गया। यहाँ पे हमने दो बैरिंग लगा के हमारा डिस्क का टायर और ये चैन व्हील और गियर हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ये फ्री घूम रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको होल मिलेगा। तो ये होल जो दिख रहा है ये होल के अंदर ये जो एक्सल दिख रहा है मैं एक्सल डालूंगा। तो यहीं पर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेम होल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने होल किया है, यहाँ से ये पट्टी तक होल जाएगा और ये जो हमारा एक्सल है ये एक्सल को हम खोल के ये लगा के उसके बाद हम इसको यहाँ से इसके नीचे से इसको डालेंगे। तो चलिए हम इसको लगा के फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा फ्रेम है फिट हो गया। फिट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जम्पर लिया है। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे हम लगा के इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे का टायर और जम्पर हमारा इंजन जो है इसमें फिट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा साइकिल का आगे का जो फ्रेम है तो उसको हम ये पाइप के अंदर डाल के इसको यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे इसको वेल्डिंग मार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा टायर है, ये हमारा जो टायर है हम इसके अंदर लगा के इसको फिट कर देंगे। यहाँ पे आप
देख सकते हैं हमारी जो पूरी वेल्डिंग का काम था पूरा कंप्लीट हो गया। बस हमारा यहाँ पे टैंक जो है वो वेल्डिंग करना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लच लगा दिया। क्लच लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कार्बोरेटर लगा दिया और हमारा जो पीछे का चैन था हमने इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया, हमारे पीछे वाले टायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे बस हमारा जो टैंक है फिट करना बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टैंक को फिट करने के लिए तो यहाँ पे मैंने एक टैंक लिया है। तो ये टैंक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉक लगाया है। तो ये जो कॉक दिख रहा है आपको, ये कॉक से पाइप निकला है, ये पाइप को हम यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे वेल्डिंग मार देंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको ये गाड़ी चला के दिखा देता हूँ कि चलती है कि नहीं चलती है। वायरिंग का काम था पूरा कंप्लीट हो गया है। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने जो टैंक है यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए इसमें हमारा जो अभी कलर का और पीछे सीट फिट करना बाकी है तो चलिए उसको हम फिट कर देते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल टैंक फिट करने से पहले आप अंदर जितना पेट्रोल रहता है पूरा खाली करके वेल्डिंग मारना, नहीं तो अगर पेट्रोल भरा होगा तो इसमें फटने का डर रहता है, इसके लिए आप पूरा टैंक खाली करने के बाद ही आप उसको वेल्डिंग मार दो। यहाँ पे हमारा जो सीट फिट हो गया है तो चलिए इसमें हम हमारा जो कलर करना बाकी है कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो मोटराइज्ड बाइक है इसमें तैयार हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टैंक फिट हो गया। उसके बाद ये हमारा मैंने डबल सीट रखा है, अगर हमको दूर बैठ के भी चलाना है तो हम चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंजन बैठ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल साइलेंसर लगाया है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक साइलेंसर का पाइप गया, उसके नीचे से यहाँ पे मैंने इसको डबल निकाला है। तो चलिए मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ ये कैसे चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको चलाने का पूरा वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि इसका पूरा वीडियो जो मैंने उसको पार्ट टू में बनाया है तो उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। उस पर मैंने थोड़ा डिटेल्स भी दिया है तो उस पर आप जानकारी भी ले सकते हैं पूरी। अगर आपको इसका माइलेज बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, उसको ऊँचा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका पूरी जानकारी मैंने उसको पार्ट टू में दिया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।